अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो बेसिक ट्रिक्स हैं सबसे पहले उनको सीखेंगे, उसके बाद हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। दो से तीन लेक्चर जो है वो हम बेसिक ट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे ताकि आपको रिएक्शन के बारे में जो है वो समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ ट्रिक्स जो है वो यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले जो है वो नेम जो है उसे किस तरह से हमने रिएक्शन का अंदाजा लगाना है कि हम ये कौन सा रिएक्शन जो है वो यहाँ करवाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारा पहला नेम है हाइड्रोजिनेशन। इसमें आपने क्या करना है, नॉर्मली एशन का जो वर्ड है जैसे हाइड्रोजिनेशन है, क्लोरिनेशन है, हैलोजिनेशन है, इनमें आपने जो लास्ट वर्ड है एशन उसको लगा लेना है और पीछे जो नेम है वो लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आपने लग कर रखना है। एशन का वर्ड आपने लग कर लेना है और हाइड्रोजन जो है उसको लग कर लेना है। अब ये जो हाइड्रोजन है आप सभी जानते हैं H2 को कहा जाता है और एशन जो है इसके मुराद यहां लेनी है एशन। एडिशन जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एडिशन है यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन की एडिशन जो है उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजिनेशन का। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन जो है उसको हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। दूसरा नेम जो है जिसको हम यहाँ जो है स्टडी कर देते हैं वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जो है इसमें आप देखें उसी तरह से एशन को अलग कर लीजिए और पीछे जो वर्ड बचेगा वो हैलोजन है। ये है हैलोजन और है एशन। उसी तरह से एशन से हमारी मुराद क्या होगी एडिशन और पीछे क्या है हैलोजन्स। हैलोजन्स मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन नॉर्मली हम क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसकी रीजन आगे आ जाएगी। तो किसी भी कंपाउंड में हैलोजन की एडिशन जो है उसको हैलोजिनेशन कहेंगे। इसके नेक्स्ट जो है वो नेम जो है हमारे पास यहां है वो है सल्फोनेशन। यहां सिर्फ हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे नेम हमें देखने में मिलेंगे। तो एशन जो है इसको आप क्या नाम देंगे, लास्ट वाले पॉइंट्स की तरह एडिशन और पीछे लफ्ज लिखा है सल्फोन। अब सल्फोन जो है इसका मतलब ये होता है SO3H। SO3H जो है ये सल्फोन या सल्फोनिक कहते हैं और एशन से मुराद क्या है एडिशन। तो किसी भी कंपाउंड में SO3H की एडिशन जो होती है उसको बोलेंगे सल्फोनेशन। अगला नेम जो हमारा है वो है नाइट्रेशन। इसमें देखें लास्ट वाला वर्ड एशन लगा लीजिए, पीछे जो है वर्ड बचता है नाइट्रो। नाइट्रो जो है वो दरअसल लिया गया है नाइट्रो से, नाइट्रो NO2 को कहते हैं और एशन से मुराद आप जानते ही हैं एडिशन। तो किसी भी कंपाउंड में NO2 की एडिशन जो है उसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। तो ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम्स से किस तरह से हम आइडिया लगाएंगे कि हमारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो है उनके अंदर किस तरह के हम जो है वो रिएक्शन जो है वो करवाएंगे। साथ तौर पर एशन जो है उसको लगा लेंगे और पीछे वाला